गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है चैप्टर 8 में, उसका क्या क्या यूजेज हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसकी मदद करते हैं, इसकी मदद से हम किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर दो टर्म हम यूज़ करेंगे, एक तो होता है एंगल ऑफ डिस्पर्जन और एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये क्या होता है, मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग हमारे पास और जो ऑब्जर्वर है वो हमारा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है, यहाँ से हम ऑब्जर्वर कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वर है वो ये यहाँ पे अंदर है, ऑब्जर्वेशन है वो हमारी यहाँ से हो रही है और हम टॉप की साइड दे रहे हैं। तो ये जो भी एंगल होगा, ये जो थीटा होता है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इफ द ऑब्जर्वर एट द टॉप, मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ पे है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, वो डाउनवर्ड देख रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो ये जो एंगल होगा, तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये एंगल थीटा होगा, तो ये जो एंगल होगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिस्पर्जन। तो ये दो टर्म हम इसके अंदर बेसिकली यूज़ करेंगे, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है और एक है एंगल ऑफ डिस्पर्जन। तो जहाँ पे ऑब्जर्वर हमारा ग्राउंड पे होगा और वो ऊपर की तरफ देखेगा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, और एक टॉप से नीचे की साइड देखे तो वो हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ डिस्पर्जन। तो देखिए एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रूप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये डायग्राम भी दे रखा है इसने, सर्कस के अंदर जो रस्सी है वो इस प्रकार टाइटली बंधी हुई है पॉइंट ए और सी से, और ये कोई भी हाइट होगी सम हाइट के ऊपर, और इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है और इसका जो एंगल है वो क्या 30 है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो ये जो हाइट है ए बी पोल की, इसको हम मान लेंगे एच हाइट, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, लेट द हाइट ऑफ द पोल ए बी बी एच, तो ये हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। अब ए सी की वैल्यू हमारे पास है और ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव, तो इसके अंदर हम देखेंगे तो ए बी अपॉन में ए सी, ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा। तो थीटा है हमारे पास यहाँ पे है, तो इसके सामने ये क्या परपेंडिकुलर है, ये क्या हाइपोटेन्यूज है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब ए बी की वैल्यू पुट करिए, ये तो एच हो जाएगी, ए सी की वैल्यू कितनी है 20 है, और साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 20/2 विच इज इक्वल टू 10 मीटर। तो जो हाइट हो जाएगी पोल की वो क्या हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स शो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। कोई भी पेड़ है और वान के कारण क्या हो जाता है, टूट के जमीन के ऊपर टच करने लगता है। इस प्रकार ये दो पार्ट हो चुके हैं, एक ये जो हाइट थी टोटल ए बी सी ट्राइंगल हमारे पास बन जाएगी ये, और जो टॉप का जो पेड़ का जो टॉप पार्ट था वो यहाँ पर ग्राउंड को टच कर रहा है, और ये जो एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ ये एंगल बनाएगा 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 सेंटीमीटर। ये तो है फुट ऑफ द ट्री एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री टच ऑन द ग्राउंड, इनके बीच का जो डिस्टेंस वो हमारे पास कितना है 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, वी हैव टू फाइंड टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्राइंगल हम ये मानेंगे, ए बी सी मान लीजिए, ए बी सी ट्राइंगल है, तो ये जो साइड है वो कैसे निकालेंगे, एक्यूट एंगल हमारा सी के ऊपर है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी
वी है वो, तो यहाँ पे हम निकालेंगे ए बी साइड अपॉन में बी सी साइड गिवन, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारे पास बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, तो ये हो जाएगा 10 30, और ए बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी हमारे पास 8 इंटू में 10 30 है 1/√3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8/√3। सिमिलरली ए सी अपॉन में बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस का उल्टा हो जाएगा और ये सेक 30 हो जाएगा, और ए सी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी बी सी इंटू में सेक 30, और बी सी की वैल्यू कितनी है 8 है, और जो सेकेंड 30 है वो हो जाएगा कॉस 30, कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 16/√3। नाउ टोटल वी हैव टू फाइंड टोटल हाइट ऑफ द ट्री, सो टोटल हाइट ऑफ द ट्री आर, टोटल हाइट हमारे पास हो जाएगी, तो ये हाइट हो जाएगी हमारे पास ए बी प्लस ए सी, दोनों ही पेड़ की हाइट होंगी, दोनों का ऐड हो जाएगा 8/√3 प्लस 16/√3, दिस इज 24/√3। बाय रेशलाइजेशन वी गेट, तो ये हो जाएगा 24/3 इंटू में √3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/√3। जो भी यूनिट है वो हमारी मीटर में है, तो ये मीटर में हो जाएगा, तो इस प्रकार ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर और 2 प्रकार की स्लाइड चाहता है पार्क के अंदर। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। तो 5 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए तो हाइट हो जाएगी, टॉप की जो हाइट है वो 1.5, एंड इट्स इंक्लिनेशन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, तो जो एंगल है ग्राउंड के साथ वो हो जाएगा 30, ठीक है। वेयर फॉर द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू ए स्टेप स्लाइड ऑफ हाइट, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट है वो हाइट ऑफ 3 मीटर, उनके लिए 3 मीटर है, एंड इंक्लिनेशन ऑफ एंगल एट 60 डिग्री विद द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ इनका जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, लेंथ ऑफ स्लाइड हमें निकालनी, तो लेंथ ऑफ स्लाइड हो जाएगी हमारे पास ये, दिस इज L1 एंड दिस इज L2, ये वैल्यू हमें निकालनी। लेट दिस आर 2 ट्राइंगल हुज नेम आर ABC एंड PQR, दोनों को हम अलग अलग नाम दे देंगे, एक ABC एक PQR है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब L1 की वैल्यू निकालनी, तो ये क्या हो जाएगा AC अपॉन AB, तो ये हो जाएगा साइन 30, और AC की वैल्यू क्या है 1.5 है, अपॉन AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है हमारे पास AC अपॉन में AB, तो ये हो जाएगा साइन, तो AB की वैल्यू है L1, तो साइन 30 हो जाएगा 1/2, सो L1 इज 3 मीटर, L1 तो हो जाएगी 3 मीटर, और इन केस ऑफ ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR वी गेट PQ अपॉन में PR, दिस इज साइन 60, एंड PQ इज 3 सेंटीमीटर, PR इज L2, साइन 60 इज √3/2। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट L2 इक्वल टू 6/√3, दिस इज √3/√3, सो दिस इज 6√3/3 2√3, सो इट्स हाइट L2 इज 2√3 एंड L1 इज 3 मीटर।
तो ये दोनों लेंथ हो जाएंगे हमारे पास। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फिफ्थ है, सिंपल है, सेवन्थ है। क्वेश्चन नंबर एट भी सेम है। क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक हमारे पास टावर है, एक हमारे पास बिल्डिंग है, और जो एंगल है वो हमारे पास फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर के टॉप से और टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप के ऊपर जो एंगल है वो है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और टावर के टॉप से और बिल्डिंग के फुट से, तो ये बिल्डिंग के फुट से हो जाएगा। ये हमारे पास फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री है। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये टोटल हमारे पास टावर है 50 मीटर है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें निकालनी है, ये हाइट हमें निकालनी है। तो इसको हम ले लेंगे ट्राइंगल ए बी सी डी और ई, ये वैल्यू हम एक्स मान लेंगे, ये भी एक्स हो जाएगी, टोटल हाइट ये एच है, तो ये हो जाएगी 50 माइनस एच, टोटल वैल्यू 50 माइनस एच। तो इन ट्राइंगल, यहाँ पे दो ट्राइंगल हमारे पास, इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी वी है वो ए सी, या ये ले सकते हैं हम बी सी अपॉन ए सी है, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, बी सी क्या है बेस है, ये क्या परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा कोट 30 हो जाएगा, तो बी सी तो हो जाएगा हमारे पास एक्स, ये हो जाएगा 50 माइनस एच, और कोट 30 होता है हमारे पास √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3 × 50 माइनस एच। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन ट्राइंगल ए ई डी के अंदर क्या हो जाएगा, ए से ई अपॉन डी से ई, तो बाकी वो ट्राइंगल यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो ये हो जाएगा 10 60 हो जाएगा हमारे पास। ए से ई क्या है 50 है, और डी से ई क्या है एक्स है, 10 60 हमारे पास √3 है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 अपॉन √3, तो ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 अपॉन √3 इक्वल टू √3 × 50 माइनस एच। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को इधर भेज देंगे, 50 अपॉन √3 ये हो जाएगा 50 माइनस में h, एंड h इक्वल टू 50 माइनस 50 बाई 3, दिस इज 150, तो 100 बाई 3 ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास h की वैल्यू। h की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 100 अपॉन √3, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी हाइट ऑफ द टावर। ये था क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 है। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। कोई भी रोड है
और इसकी जो लेंथ है वो 80 मीटर है। दो पोल हैं यहाँ पे, ये दोनों इक्वल हाइट के हैं, ये अपोजिट हैं एक दूसरे के। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ रिलेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30। कोई भी मान लीजिए पॉइंट है यहाँ पे, तो इससे जो एंगल है, एक एंगल इससे है इस पॉइंट का, तो ये क्या है 60 और 30 है। ये मान लीजिए एंगल 60 है, ये एंगल हमारे पास 30 है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो यहाँ से हमें हाइट निकालनी है, तो ये ट्राइंगल ए बी सी डी और ई मान लेंगे हम, तो ये ट्राइंगल लेंगे टोटल, ये 80 मीटर है, तो ये मान लीजिए एक्स है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। सो इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव ए बी अपॉन बी सी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 60, और ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी और डी ई क्या इक्वल है, ए बी की वैल्यू हो जाएगी बी सी, बी सी है एक्स और 10 60 हो जाएगा रूट थ्री, तो ए बी हो जाएगा हमारे पास एक्स इंटू में रूट थ्री। और इन ट्राइंगल ई डी सी, ई डी सी के अंदर क्या हो जाएगा, डी से ई अपॉन में सी से डी, तो ये क्या हो जाएगा 10 30 हो जाएगा ये हमारे पास, तो ये जो डी ई है वो हो जाएगा हमारे पास सी डी, सी डी क्या है 80 माइनस एक्स और 10 30 है 1/√3। ये वैल्यू डी ई और ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, इन दोनों को इक्वल करेंगे हम, तो इक्वल करेंगे तो एक्स रूट थ्री है वो हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन में रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स एंड 4x इक्वल टू 80 एंड x इक्वल टू 20, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 20, तो ये 20 लेंगे हम, तो ये ए बी की वैल्यू जो होगी हाइट ऑफ पोल, ए बी क्या है हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल जो है वो हो जाएगा 20√3 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज, दिस इज 20 एंड दिस इज 60, सो डिस्टेंस, सो पॉइंट इज 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी एंड 60 मीटर फ्रॉम पॉइंट डी एंड हाइट ऑफ द बोथ द पोल आर 20 मीटर, तो इनकी हाइट क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11th है, 12th है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, एन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम ए सी लेवल। कोई भी सी लेवल मान लीजिए, सी लेवल है, यहाँ से जो हाइट है लाइट हाउस की वो 75 मीटर है। द एंगल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ टू शिप आर 30 and 45, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। अब यहाँ से जो एंगल ऑफ डिस्पर्जन है फ्रॉम टू पॉइंट, मान लीजिए एक शिप हमारे पास यहाँ पे है, एक शिप हमारे पास यहाँ पे है, और ये लाइट हाउस है, तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन है वो हमारे पास ये बनेगा, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और ये जो एंगल है वो 30 and 45 है, तो ये एंगल 30 है, ये 45 है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल होते हैं, वही 45 और ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा, दोनों सिर्फ एक ही साइड के ऊपर। मान लीजिए ये पॉइंट ए पे है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिप, मान लीजिए ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस वाई है, अब दो ट्राइंगल बन जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी जो बड़े वाले ट्राइंगल उसके अंदर हम लेंगे, तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन में ए सी, तो ये हो जाएगा 10 30 और सी डी की वैल्यू क्या है 75 है, और ये हमारे पास x प्लस में y है, ये 1/√3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस में y हो जाएगा
75 इंटू में रूट थ्री, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी वी हैव, बी सी डी के अंदर हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन में बी सी, दिस इज 1045 एंड सी डी इज 75 अपॉन वाई इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू 75। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 75 है। यहाँ पे हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर y की वैल्यू, तो x की वैल्यू हो जाएगी 75 रूट थ्री माइनस हो जाएगा 75, 75 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस 1, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा जी, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 है। 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर, कोई भी टावर है उसकी फुट तक ये स्ट्रेट हाईवे जाता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व, ये कोई भी स्ट्रेट हाईवे है और ये कोई भी टावर है, टावर के जो टॉप है यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वर है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिस्पर्जन इज 30 डिग्री, यहाँ से मान लीजिए कोई भी कार है और इसके साथ जो एंगल है ऑफ डिस्पर्जन है वो इसका 30 डिग्री है, तो 30 ये है तो 30 ये हो जाएगा। Which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed, और ये जो कार है इसके फुट की तरफ जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकेंड later the angle of dispersion of the car is found to be 60, और मान लीजिए 6 सेकेंड के बाद ये यहाँ पर आ गई। अब ये जो एंगल है ये एंगल, तो ये एंगल इसका हो गया 60, तो 60 ये है तो 60 ये है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाई द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट से इसके फुट तक जाने में, यहाँ तक जाने में कितना टाइम लेगी ये हमें निकालना है। तो मान लीजिए ये ट्राइंगल होगी ए बी सी और डी, मान लीजिए ये डिस्टेंस एक्स था, ये डिस्टेंस वाई हमने ले लिया, तो स्पीड जो होती है वो क्या होती है, स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से टाइम हम निकालेंगे तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हमारे पास टाइम हो जाएगा। अब ये जो ट्राइंगल लेते हैं हम, इन ट्राइंगल टोटल हाइट दोनों केस में क्या है, सेम है। इन ट्राइंगल ए बी डी वी हैव, ए बी डी ट्राइंगल लेंगे हम तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए से डी अपॉन में बी से डी, तो ये हो जाएगा 1030, और ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी, बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस में वाई, और ये 1030 हो जाएगा 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस में वाई हो जाएगा टोटल रूट थ्री इंटू में एच। अब इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी ट्राइंगल लेते हैं हम तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए से डी अपॉन में सी से डी, दिस इज 1060 एंड ए डी इज एच अपॉन में वाई, 1060 इज रूट थ्री, सो एच इक्वल टू रूट थ्री इंटू में वाई, ये एच की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस में वाई इक्वल टू रूट थ्री इंटू में वाई, तो x प्लस में y हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू में y एंड x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y मीन्स यहाँ से जो टाइम लिया वो था हमारे पास 6 सेकेंड, तो टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस BC इक्वल टू 6 सेकेंड, B
BC के डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया इसने, 6 सेकंड का। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y = 6, देन y = 3। सो टाइम टेकन बाय द कार टू रीच इस फुट इज 3 सेकंड। तो टाइम ये ले लेंगे हमारे पास 3 सेकंड, 3 सेकंड का टाइम ले लेगी जिससे ये इसके ग्राउंड के तक, ग्राउंड ये इसके बॉटम तक पहुंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टू पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 सेंटीमीटर। कोई भी टावर है और इस टावर के एक ही साइड दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट हमारे पास इसके जो फुट से है वो 4 मीटर के ऊपर है, दूसरा पॉइंट है वो 9 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है, और जो एंगल है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन दो कोणों का जोड़ क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो ये मान लीजिए थीटा है, तो ये एंगल हमारे पास 90 - थीटा होगा। और ये कब होगा, जब हमारे पास जो हाइट होगी इस टावर की वो क्या होनी चाहिए, 6 मीटर होनी चाहिए। तो हाइट हमें 6 मीटर निकालनी है। तो लीजिए इन ट्राइंगल ABC, ABC के अंदर क्या हो जाएगा, AC अपॉन में BC, तो ये हो जाएगा 10 90 - थीटा, और AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो H हो जाएगी, BC की वैल्यू 9 हो जाएगी, और ये 10 90 - थीटा। तो ये 10 90 - थीटा ये कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो इक्वेशन ये बन जाएगा हमारे पास। और सेकंड इन ट्राइंगल AC, ये हमें ली थी AC, तो ये पॉइंट डी ले लेंगे हम, इन ट्राइंगल ACD वी गेट AC/CD। तो ये हो जाएगा हमारे पास AC/CD, तो ये हो जाएगा 10 ऑफ थीटा, और AC की वैल्यू क्या है, H है, CD की वैल्यू कितनी है, 4 है, और ये हो जाएगा 10 ऑफ थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये कोट में है, ये 10 में है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4/H है, वो हो जाएगा कोट थीटा की वैल्यू। अब ये भी कोट है, ये भी कोट है, दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो ये H/9 है, ये 4/H के इक्वल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H के क्या हो जाएगा, 36, एंड H = ±6, एंड हाइट कैन नेवर बी इक्वल टू नेगेटिव, सो H = 6, हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो ये हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज 9.1।